अपने सहवित सहवत है। या रसूल अल्लाह आप इस कायनात में आए हैं तो पूरी दुनिया के सांसों में सांस आ गए। सहवित सहवत है ई आई है जस तेरे हर पासे मूंछ दे माता माता मूंछ मते अब याद हो कहते हैं हमें हर याद में तड़पना किसी की याद में तो कहते तुसे कोई ना वे आई या रसूल अल्लाह हर पासे मूंछ दे माता मन तुसा आ गए वे हर पासे खुशी की झुमरा में और कई मैं जे हाल हला दर्शन अल पाए में बस तेरे आ कहते हमारे जैसे कई हालात होने वाले या रसूल अल्लाह आपके आने की वजह से उनकी भी बीवियां बन गई हैं। और हमारे इलाके के शायर ख्वाजा मोहम्मद याद फरीदी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि हकीकत मोहम्मद दे बा कोई नहीं सकता। हकीकत मोहम्मद दे बा कोई नहीं सकता कि थां चुप दी जाए हला कोई नहीं सकता। दाढ़े अले सो अमल हब्द थी सन अमल हब्द थे हुए बला कोई नहीं सकता। हकीकत मोहम्मद वाला हल माना न हल किया इन हल का कोई नहीं सकता। असां ने मोहम्मद के नाता पड़े सुन असां पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था क्या उस मकसद की तरफ भी कौम को ले जाया जा रहा है किसी और मकसद की तरफ ले जाया जा रहा है? बताएं पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या इस कलमे की तरफ जा रही है किसी और तरफ जा रही है? पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि यहां पर आकर अमीर और गरीब में वो फर्क खत्म हो जाए मेरे आकर के दीन में जो था यहाँ पर आकर बदमाश और बड़े बदमाश बन गए डकैत आकर और बड़े डकैत बन गए यहाँ जागीरदार आकर और बड़े जागीरदार बन गए तो फिर पाकिस्तान किस लिए बनाया था? यहाँ पर आपके सामने आए थे आपने खबर पड़ी दो साल बच्ची के साथ जना हो गया रोज कितने कैसे सारे अखबार आप देखे कितने मुसलमान तो दरिंदों से भी गए गुजरे हो गए और दरिंदा था ना जंगल में हजरत सकीना रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे थे तो सामने शेर आ गया तो शेर आया तो उसे जब दाड़ा तो हजरत सकीना ने ओए जान नहीं मैं मोहम्मद अरबी अल्लाह हूं। जब आपने ये कहा तो शेर जो था वो तुम जाने लग गया और आपके पांव जाकर लगे आज जंगल में दरिंदा लेकिन जब आपने नाम हुजूर कर लिया ना सागर रसूल ने तो उस दरिंदे ने कहा उसने कहा जी का नाम आपने लिया उनको तो मैं भी जानता हूं तो आपके पांव जाकर लग गया लेकिन मुसलमान थे जिन्होंने अपनी बच्चियों के साथ कलमा पढ़ने के पाकिस्तान के अंदर आप जाएं कई इलाकों में लेकिन मैं अपने इलाके की बात करता हूँ शुजाबाद के इलाके में मुल्तान के साथ है शुजाबाद वहां पर इन्होंने सड़क बनाई सड़क तो सड़क के दरमियान का मंदिर था कोई पुराना मंदिर उसमें कुछ चीज और नहीं है सिर्फ इमारत खड़ी है मंदिर खाने की छोटा सा गुंबद बना हुआ तो इन्होंने क्या किया उस मंदिर को नहीं गिराया सड़क बनानी जो थी मंदिर के कुछ किस तरफ से सड़क निकाल दी कुछ इस तरफ से मंदिर नहीं गिराया। और हमारे कुछ बहावलपुर के अंदर मनीमठ चौक से जाए रफी कमर रोड है दरमियान में मस्जिद है शाम साहबी है मस्जिद का नाम है अभी इन्होंने जब रोड को डबल किया ना तो मस्जिद थोड़ी सी रोड के अंदर आ रही थी तो उन्होंने मस्जिद को गिरा दी वहां मंदिर नहीं गिराया सड़कों की खातिर यहां पर सड़कों की खातिर अल्लाह और उसके रसूल का घर गिरा दी। शाकिर शुजाबाद ना हमारे इलाके का शायर वो कहता है खुदाया खुद हिफाजत कर तेरा फरमान बिकता पैदा खुदाया खुद हिफाजत कर तेरा फरमान बिकता पाए कितने दीन का सौदा कितने ईमान बिकता पाए कितने कुलां दी हट्टी है कितने पीरां दी शोके से मेरा ईमान ही बदलिया अगर तेरा कुरान बिकता पाए मेरे मुल्क के खुदा डॉलर मेरे मुल्क के नबी पैसा हर की दी हवस के विच हर एक इंसान बिकता पाए यहां पर पैसे की खातिर हर कोई जी रहा है पैसे की खातिर मेरा बच्चा बड़ा होगा 1 लाख कमाएगा 2 लाख कमाएगा 3 लाख कमाएगा 4 लाख 5 लाख किसी ने अपने पूरे मुल्क के अंदर 10 दिन दोहे चलते रहे
की हकीकत कैद में पड़ी है, कोई बात करने वाला नहीं, सिर्फ उसके नाम पर इंतजार नहीं आता बैठ जाता है। फिर उस बच्ची की कभी बहन की बात ही नहीं होती, बेटी की बात ही नहीं होती। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बात करते हैं, हम तो मौसम कश्मो है। हाँ, डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी, अलामा इकबाल कलंदर लाहौरी की छुट्टी भी बंद कर दी उन्होंने मुंबई की, लेकिन आपके सामने सिखों की छुट्टी ऑन हो गई, हिंदुओं की छुट्टियां ऑन हो गई हैं, ईसाइयों की छुट्टियां ऑन हो गई हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया जो मौसी ने पाकिस्तान थे उनकी छुट्टियां बंद कर दी। अलामा मोहम्मद इकबाल तहज्जुद की नमाज की दाता भी है, फिर जाकर पढ़ते थे और वहां पर जाकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे और फिर आगे सो गए आपने हुजूर दाता साहब तशरीफ किए और दाता साहब ने फरमाया अलामा इकबाल पाकिस्तान बनाओ, ये पाकिस्तान के लुटेरों ने नहीं बनाया, इंशाल्लाह पाकिस्तान आसद है क्या सलामत रहेगा इंशाल्लाह और हुजूर का दीन आएगा इंशाल्लाह, कुछ वक्त की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त है हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। मशरिक से फौज तैयार होगी और जाकर इमाम मेहदी की मदद करेंगे। मशरिक वाले कौन है? मशरिक वाले हम हैं। अलामा इकबाल की कहता मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन है वही, मेरा वतन है वही, कहते हुजूर को ठंडी हवा पाकिस्तान